हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यू चैनल अनफोल्ड लर्निंग और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास नाइन बाय ए दास गुप्ता एंड है नीवनोजी और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट पाइथेग्रिस थ्योरम की एक्सरसाइज थ्री सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है तो आप वहां से बाकी के सोल्यूशन देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और आइए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स तो यहां पर अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं जैसे कि मैंने यहां पे ए बी सी ट्राइंगल लिया है विच इज राइट एंगल डैट बी द स्क्र ऑन दी हाइपटन्यूज हाइपोटन्यूज कौन सी साइड होती है जो नाइनटी डिग्री के अपोजिट होती है नाइनटी डिग्री के सामने वाली साइड सो दिस इज गोइंग टू बी दाइपटन्यूज और बेस के साथ जो हम एंगल बनाते हैं दिस थीटा दिस इज कॉल्ड बेस और ये जो थीटा के अपोजिट साइड होती है इसको हम या तो एल्टीट्यूड बुलाते हैं या फिर हम इसको हाइट कहते हैं ओके सो दिस इज द बेसिक मार्किंग फॉर एन राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स तो बाकी की दोनों साइड का स्क्वायर का हम सम कर देते हैं बी सी स्क्वायर सो दिस इज दाइथेगरस थ्योरम नेक्स्ट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम इफ

स्क्वायर के सम के इक्वल हाईपटीन्यूस कर देते हैं या थर्ड साइड कर देते हैं तो इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल बी इज गोइंग टू बी 90 डिग्री हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओके तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से प्रूव हो जाती है तो दोनों साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है और जो ट्रायंगल हमने एज्यूम किया है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल एंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां पर हमने एंगल बी 90 डिग्री लिया है फर्स्ट पार्ट इज इफ ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड ए सी सो ए सी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है फॉर दिस ट्रा वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड वी कैन राइट दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दी अदर साइड स्क्वायर सम ऑफ अदर साइड स्क्वायर सो ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो अब इस फॉर्मूले में हम बाकी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे सो ए सी स्क्वायर को हम एज इट इज छोड़ देंगे ए बी की वैल्यू फाइव है प्लस बी सी इज ट्वेल्व सो दिस इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर विच इज वन सिक्सटी नाइन सो ए सी इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ वन सिक्सटी नाइन विच इज थर्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट इज इफ ए बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर ए सी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर फाइंड बी सी सो एल बी सब्सिट्यूटिंग इन दिस बिकॉज ये ट्राइंगल्स हमें कॉमन है ए सी की वैल्यू हमारे पास है टेन इसका स्क्वायर ए बी वैल्यू इज सिक्स इसका स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस एज हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस बी सी स्क्वायर सो बी सी स्क्वेर

प्लस ए बी स्क्वायेर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है फाइव सेवेंटी सिक्स सो वी कैन राइट ए बी स्क्वेर एज सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव सेवेंटी सिक्स विच इज इक्वल टू फोर्टी नाइन सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर्टी नाइन दैट इज सेवन सेंटीमीटर नेक्स्ट इज ए सी इज सेवेंटीन सेंटीमीटर एबी इज एट सेंटीमीटर फाइन बी सी सो so, यहां हम लिख सकते हैं ए सी के लिए सेवनटीन स्क्वायर इज इक्वल टू एट स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सो सेवनटीन का स्क्वायर हो जाता है टू एटी नाइन एट का स्क्वायर हो जाता है सिक्सटी फोर प्लस बीसी स्क्वायर सो वी कैन राइट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर विच इज गोइंग टू बी टू ट्वेंटी फाइव सो बी सी Is equal to under root of 225, which is 15 centimeter in length. So BC is 15 centimeter. Next is question number two. Three sides of triangle ABC are given below. State whether the triangle is a right angle triangle. If so, find the right angle. तो यहां पर आपको कुछ साइड गिवन है AB इज सिक्स सेंटीमीटर ए सी इज एट सेंटीमीटर एंड बी सी इज टेन सेंटीमीटर सो यहां पर एक चीज और मैं एड करना चाहूंगी हाइपोटन्यूज़ इज ऑलवेज दी लॉन्गेस्ट साइड सो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं दैट लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू दी हाइपोटन्यूज़। सो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू हाईपट न्यूज तो यहां पर हमारी लॉन्गेस्ट साइड है टेन सो so, यहां पर हम पहले निकाल देंगे बी सी का स्क्वायर विच इजर दैट इज हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट वी हैव समर टू साइड दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सो दिस इज गोइंग टू बी सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर सो इट इज थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर

राइट एंगल्ड ट्राइंगल विथ एंगल ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट पार्ट बी ए बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन सेंटीमीटर सो लॉन्गेस्ट साइड इज अंडर रूट सिक्स तो हम यहां पर एबी का स्क्वायर निकाल देंगे सो अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नेक्स्ट वील फाइंड बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायेयर लिख देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी टू प्लस टू रूट टू प्लस वन प्लस 2 minus 2 root 2 plus 1 so plus 2 root 2 minus 2 root 2 cancel 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 1 6 so this is equal to 6 so hence we can say that a b square is equal to bc square plus ac square so the triangle a b c is right triangle with angle c is equal to 90 degree next is ab is equal to 7 centimeter bc is equal to 4 centimeter and ac is equal to 5 centimeter so here we'll find ab square which is the longest side that is 7 square which is 49 centimeter and next we have bc square plus ac square that is 4 square plus 5 square. So it is 16 plus 25, which is equal to 41 centimeter square. So hence we can say that AB square is not equal to BC square plus AC square. Hence triangle ABC is not right angle triangle. Not right. ट्राई एंगल ओके सो हे दिस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूव द्राईंगल ए बी सी इज राइट एंगल डॉट ए इफ ए बी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एंड ए सी इज इक्वल टू टू एन इन टू एन प्लस वन एंड बी सी इज इक्वल टू टू एन इन टू एन प्लस वन प्लस वन सो यहां पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट साइड देख सकते हैं इट इज बी सी सो वी कैन से बाय इथे गोरस थियोरम बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर सो यहां पर सबसे पहले हम एबी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर फाइंड कर देते हैं दैट इज टू एन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एन इन टू एन प्लस वन होल स्क्वायर ओके सो यहां पर आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं एज फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन प्लस यहां पर इसके स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे दैट इज टू एन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर सो so, यहाँ पर हम इसकी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर कुछ इस तरीके से आ जाए तो हम क्या करेंगे टू एन इंटू एन प्लस वन दिस इज दी कम्प्लीट स्क्वायर ये मैंने पहले लिख दिया है इसमें से हम क्या करेंगे टू इंटू टू एन इंटू एन प्लस वन इसको लिख सकते हैं और यहां पर ये हो जाएगा वन का स्क्वायर सो दिस कम्प्लीट बिकम a एंड दिस इज b और टू ए बी So this is going to be the perfect square for 2n into n plus 1 plus 1 whole square. So this is equal to BC square, hence triangle ABC is right angled triangle. क्वेश्चन नंबर फोर इन ट्राएंगल पी क्यू आर पी क्यू इज टू क्यू आर इज टू आर पी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर इज टू फाइव प्रूव दैट द ट्राएंगल इज राइट एंगल फाइंड द राइट एंगल तो यहां पर जब भी रेशियो के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं x सो लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स सो पी क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यू आर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड आर पी इज इक्वल टू फाइव एक्स सो यहां से आप देख सकते हैं फाइव एक्स इज गोइंग टू बी दी लॉन्गेस्ट साइड सो यहाँ पर आप पाइथेग्रस थोरम अप्लाई कर देंगे सो इट बिकम्स आर पी स्क्वायेर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायेर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ओके सो पहले हम आर पी स्क्वायर फाइंड कर देते हैं आर पी स्क्वायेयर इज इक्वल टू 5x whole square. So, this is equal to 25x square. Next, we find pq square plus qr square. pq is 3x whole square plus 4x whole square. So, hence we can write this as 9x square plus 16x square, which is equal to 25x square. So, this is going to follow this rule Pythagoras theorem. So, we can write

सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की है वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग